अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं स्कोसर डॉट कॉम का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आए 90K बजट में। 90K बजट में हमने जो जो कंपोनेंट यूज किए इसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ और इनकी प्राइस अपडेट भी दूंगा और इसमें जो जो स्पेसिफिकेशन हमने यूज किए हैं जिस प्राइस के साथ वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के आगे चल के मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज की इस 90K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसमें जो जो हमने कंपोनेंट यूज किए उसके बारे में पहले आपको बताता चलो, जो स्पेसिफिकेशन हमने इसमें यूज किया तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। जो इसमें हमने प्रोसेसर यूज किया है वो i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज किया है 6500, और इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है वो गीगाबाइट का H110 मदरबोर्ड इस बिल्ड के साथ हमने यूज किया है। अब चलेंगे इसकी रैम की तरफ। इसमें हमने रैम यूज की है 8 GB की सिंगल स्टिक हमने यूज की है। मदरबोर्ड जो है इसका 2 RAM स्लॉट वाला है और इसपे आप i7 जो है 7th जनरेशन तक का जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करवा सकते हैं। वो हमने रैम इस पे सिर्फ एक ही यूज की है क्योंकि हमने 90K में बजट मैनेज करना था। तो इसके साथ जो हमने SSD यूज की है उसके बारे में बताते चलो, तो इसमें SSD हमने 128 GB SSD इस बिल्ड के साथ यूज की है और 1 TB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज की है। अब बात करेंगे PSU की। जो इस बिल्ड के साथ हमने PSU यूज की है वो 600 वॉट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज की है। अब बात करेंगे केस की। जो इस बिल्ड के साथ हमने केस यूज किया है वो AA टाइगर का गेमिंग केस यूज किया है। एक्सट्रीम केस हमने यूज किया इस बिल्ड के साथ। इसके साइड के जो है वो टेम्पर्ड ग्लास आपको मिलेगा और बैक पे एक RGB फैन मिलेगा इस बिल्ड के साथ। इसकी प्राइस भी आपको आगे चल के बताते हैं और लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो GTX 1660 सुपर MSI वेंटस में हमने ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ यूज किया है। 6 GB GDDR6192 बिट का ये ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज किया है। तो फ्रेंड्स ये थी 90K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन। अब इनकी प्राइस अपडेट आपको देते चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने प्रोसेसर यूज किया है i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज किया है 6500, जिसकी मार्केट प्राइस जो है 14000 है लेकिन हमने 13000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज किया है। अब बात करेंगे इसके मदरबोर्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने मदरबोर्ड यूज किया है गीगाबाइट का H110 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज किया है 2 RAM स्लॉट वाला, जिसपे मैंने आपको बताया कि i7 7th जनरेशन तक की आप जो है वो जनरेशन इसकी सपोर्ट करवा सकते हैं। प्रोसेसर i7 7th जनरेशन तक का लगा सकते हैं लेकिन हमने इस बिल्ड के साथ 6500 यानी कि i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज किया है। इस मदरबोर्ड की जो हमने प्राइस ऐड की है इस बिल्ड के साथ वो 10500 यानी कि 10.5K इस बिल्ड के साथ जो हमने यूज की है। और इसी तरह इसमें जो हमने रैम यूज़ की है 8 GB की रैम हमने यूज़ की है इस बिल्ड के साथ DDR4 में। 8 GB रैम हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है 6000 में। और इसमें जो हमने SSD यूज़ की है 128 GB की SSD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है 3000 में। और इसमें जो हमने HDD यूज़ की है 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली, उसकी मार्केट प्राइस आप चेक कर सकते हैं 5000 है लेकिन हमने 4500 में इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और इस बिल्ड के साथ जो हमने PSU यूज़ की है 600 वॉट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है क्योंकि हमने इसके साथ GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड को चलाना था। तो 600 वॉट की हमने PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ की है जिसकी मार्केट प्राइस 6500 से 7000 है लेकिन हमने 6000 में इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और अब बात करेंगे इसके केस की। जो इसके साथ हमने AA टाइगर का एक्सट्रीम गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। मार्केट प्राइस 9000 प्लस है लेकिन हमने 8500 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। अब लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है GTX 1660 सुपर MSI वेंटस में। डुअल फैन ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है। 8 पिन कनेक्टर इसको लगता है। इसमें एक HDMI और 3 DP कनेक्टर है आउटपुट के लिए। ड्यूअल फैन है, बैक प्लेटेड और सील्ड ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड की जो हमने प्राइस इस बिल्ड के साथ यूज़ किया 38.5 यानी कि 38500 में इस बिल्ड के साथ जो वो यूज़ किया है। इस तरह इस बिल्ड की टोटल कॉस्ट जो बनती है 90K, हमने 90K में ये बिल्ड बनाई है। इसकी शिपिंग कॉस्ट फ्री है, इसमें शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है। हम आपसे शिपिंग कॉस्ट चार्ज भी नहीं करते। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में शिपिंग मंगवाना चाहते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान में आपको फ्री शिपिंग के साथ 90K में ये बिल्ड मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसकी वारंटी की। तो इसकी वारंटी जो है वो आपको 1 मंथ मिलेगी जिसमें डेड और बर्न वारंटी इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आर्टिफैक्ट्स की वारंटी है, डेड और बर्न वारंटी इंक्लूडेड नहीं होती। इस तरह का मजीद कॉन्टेंट देखने के लिए या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर शोर है, वहाँ पर जाके आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या इस तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।